अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू महम कहानी प्लीज़ नावल को लाइक कर दीजिए अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स अपनी अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए चलते हैं नावल की तरफ उसकी तकलीफ महसूस करते हैं असरा की आंखों से भी आंसू बहने लगे कितनी शिद्दत से उसके भाइयों ने उसे मारा था उसे ज़ख़म दिए थे कि अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा उसे ज़रुम के ज़ख़म देख कर तकलीफ़ हो रही थी ज़राम ने आँखें खोल कर उसके चेहरे को देखा जो उसके बेतहाशा करीब थी नज़रें माथे पर से बहते हुए खून पर थी लेकिन आंसू टप टप गाल भिगोते जा रहे थे अपने इतने करीब बैठी अपने इश्क में दीवानी सी हुई लड़की को ऐसे रोते देख ज़रगाम की आंखें भी नम होने लगी थी वो उससे कहना चाहता था बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कहने को अल्फाज नहीं मिल रहे थे वो क्या कहता उसके पास तो कुछ था ही नहीं सारे अल्फाज सामने बैठी लड़की ने उससे छीन लिए थे वो क्यों थी ऐसी अपनी खूबसूरती से उन्हें अपनी आदतों से अपने अखलाक से वो जरगाम को अपना दीवाना कर गई थी कि उसके बग़ैर जीने का सोच ज़रगाम मरने के करीब हो सकता था माथे से खून साफ करते उसने नाक से बहते खून को देखा तो वहाँ रुई रखती उसे साफ़ करने लगी जबकि जरगाम को ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों बाद उसे देख रहा हो जो उसके एक एक नकोश को मोहब्बत से देखती उसे दिल के रास्ते अपने अंदर महफूज कर रहा था चेहरे से खून साफ़ करते उसने सरगाम का हाथ थामा था हथेली पर काफ़ी गहरा कट का निशान था जिसे देख असरा को फिर नए सिरे से रोना आया था जबकि जरगाम तो किसी रोबोट की तरह बैठा था जो सिर्फ़ अपनी आँखों की पुतली को हरकत देते उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था उसका हाथ थामते असरा उसके हाथ से छोटे छोटे कांच के टुकड़े निकालने लगी जिसके हर टुकड़े को निकालते वो ऐसे सिसक रही थी जैसे अपने हाथों से निकाल रही हो जिसे देख भूली भटकी हल्की सी मुस्कान जरगाम के चेहरे पर आई थी उसके हाथ से खून साफ करते वो अच्छी तरह उसके हाथ पर पट्टी कर गई थी जबकि बैंडेज निकालते माथे पर लगाई थी इस दौरान उसने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी नज़रों में नहीं देखा था जो ज़रुम़ाम ने शिद्दत से महसूस किया था लेकिन फिलहाल वाकई उसके पास कहने को कुछ ना था वो उठकर जाने लगी तो ज़रुआ होश में आया अभी तो वो उसके करीब आई थी अब फिर दूर हो रही थी वो घबराते मजबूती से उसका हाथ पकड़ गया मम मुझे नींद आ रही है तो थोड़ी सी देर सोना चाहता हूँ जो पहले उसका उसको हुक्म देता था आज उससे मिन्नत कर रहा था जिसे सुन असरा ने अपनी नम आंखें बंद करके खोली वो अच्छी तरह जानती थी वो क्या कहना चाह रहा था जब से वो उसके पास नहीं थी तब से वो ऊँग तक ना उसे आई थी क्योंकि उसके लिए तो सकून का दूसरा नाम ही असरा थी और वो नहीं थी तो सकून कहाँ आना था इसीलिए उसके करीब आते ही जरगाम की हर तलब जाग उठी थी प्लीज़ दे दो प्लीज़ दो रातों से सोया नहीं हूँ उसका जवाब ना पाते ज़रगाम फिर नम आवाज़ से बोला था कि असरा को तरस आया था उस पर पलट कर अपना हाथ छुड़वाती वो जाकर दूसरी तरफ बिस्तर पर लेटी थी और कमरे की लाइट्स ऑफ की उसे लेटते देख जरगाम भी पलटता पैर ऊपर करते बिस्तर पर उसकी तरफ करवट लेते लेटा था जो सीधी लेटी थी लेकिन इस इंसान को सकून कहाँ था वो तो उसे बाहों में भर कर सोने का आदि था तभी वे सा होते उसे देखने लगा रहम तलब निगाहों से जो असरा बखूबी महसूस कर सकती थी आंखें बंद करते वो खामोशी से लेटी रही जब सरगाम उस पर से हाथ गुजारता कमर को थामता उसे अपने करीब कर गया और करीब से उसके नकोश को देखने लगा उसके खींचने से असरा भौखलाई जरूर थी लेकिन अपनी आँखें ना खोली वह नहीं देखना छुपे वो आंसू और छुपा वो दर्द वो नहीं देखना चाहती थी इसलिए खामोशी से उसके हार में लेडी रही जबकि वो उसके मालों में चेहरा छुपाते सकून भरी सांस अपने सीने में उतारता आंखें बंद कर गया था उसकी सांसों की धीमी धीमी आवाज़ सुनते असरा ने अपनी आँखें खोलते चेहरा थोड़ा सा मोड़ दे उसे देखा था जो उसके बेानतहा रहा था उसके एक एक नकोश को देखते उसे वो रात याद आने लगी जब उसकी ज़ात की बेहरमती की जा रही थी जिसकी वजह यही शख्स उसकी आंखों में तेज़ी से आंसू जमा होने लगे नई खान ख़ानजा इस बार नहीं कभी नहीं भूलेंगे हम वो रात कभी माफ़ नहीं करेंगे आपको आंसू टूटकर बालों में जज्ब हुए थे जब खुद से वादा करती वो खुद में आंखें बंद कर गई थी आज तो रहम खा लिया था असरा ने लेकिन आगे शायद वो ऐसा कभी ना कर पाती दोपहर हो चुकी थी जरगाम उसे बाहों में भरे ऐसे सोया था कि उठने का नाम नहीं लिया था जबकि उसे इतनी सख्ती से थाम रखा था जैसे उसे डर हो कि उसे सोते ही वो उससे दूर चली जाएगी और असरा ऐसा ही करती लेकिन उसकी पकड़ में वो हिल भी ना सकी दूर जाना तो शायद बहुत दूर की बात थी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनते ज़रगाम कसमसाया था जबकि असरा तो जाग ही रही थी लेकिन उसको मुखातिब ना करती कसमसाने लगी थी उसके हसार में जरगाम ने नीम व आँखें खोली जो बेहद सुर्ख हो रही थी कुछ नींद का खुमार था कुछ उसकी मोहब्बत का कि दो आंखें के वो आंखें बंद करता नींद में ही मुस्कुराने लगा जबकि असर ने हॉन्कों की तरह उसे देखा लेकिन नज़रअंदाज़ करती फिर उसके हाथ खुद पर से हटाना चाहा जिस पर ज़रूाम ने आंखें खोलते उसे देखा जो माथे पर बल डाले जदोजहद में लगी हुई थी लेकिन मुँह से कुछ ना कह रही थी वो खुद ब खुद अपनी गिरफ़ ढीली कर गया जिसे महसूस करते वो एक झटके में उससे दूर हुई थी दरवाज़ा फिर नॉक हुआ तो असरा उठ खड़ी हुई वक्त देखा तो दोपहर के चार बज रहे थे उसे बेहद ग़ुस्सा आया था ज़रूाम से ज़्यादा ख़ुद पर वो कैसे उसकी बात मानकर उसके करीब जा सकती थी कपड़े निकालते वो चेंज करते बाहर आई जब तक ज़रा भी बिस्तर पर उठ बैठा था जिसम पर मौजूद कपड़े खून में हो रहे थे जिसे देख असरा दरवाज़ा खोलती बाहर गई और कुछ ही देर में वापस आते फरदान का ब्राउन रंग का कुर्ता शलवार बिस्तर पर रखा जिसे, जिसे देख जरहाम ने एक नज़र उसे देखा वो बस चाहता था असरा नज़र उठाकर एक बार तो उसे देख ले, लेकिन वो ये क्या जुल्म कर रही थी उस पर सबर का घूट पीते वो बिस्तर से कपड़े उठाता वाशरूम में बंद हुआ कुछ देर में बाहर आया तो असरा को अपने इंतज़ार करते पाया उसके आते ही वो उठकर बाहर चली गई जिस देख जरखाम भी उसके पीछे बाहर आया उठ गए बेटा आप लोग मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी भूख लग रही होगी ना आप लोगों को जरगाम बेटा को भी इसीलिए मुलाजमा को कहते आप लोगों को जगाया है शाहाना बेगम की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराती चेयर पर बैठी जबकि जरगाम यूँ ही खड़ा उसे देखता रहा उसे असरा का रवैया समझ नहीं आ रहा था बेटा जरगाम आप भी बैठो कुछ खा लो जिस पर वो सर हिलाते बैठा था उसकी प्लेट में शाहना बेगम ने पराठा रखा तो वो अपने सीधे हाथ की तरफ़ देखने लगा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी वो उल्टे हाथ से पराठे को तोड़ने लगा असरा जो आड़ी नजरों से उसकी हर हरकत देख रही थी उसे उल्टे हाथों से पराठा तोड़ते देख वो उसकी तरफ़ मुंह मोड़ गई उसके हाथ को थामते दूर किया और अपने हाथ से नवाला बनाते उसके मुंह में डाला जबकि नज़र उठाकर उसके चेहरे की तरफ ना देखा था जरगाम से उसका रवैया देख हलक से नवाला उतारना मुश्किल हो रहा था लेकिन सबकी मौजूदगी देखते वो खामोशी से खाने लगा था राह और नरमीन भी कुछ रहीमा और नरमीन भी किचन में मौजूद थी जब नरमीन को चक्कर से आने लगे तो रहीमा ने उसे थामा आप वो क्या हो गया आपको आपकी तबीयत तो ठीक है ना रहीमा ने परेशानी से उसे देखा और उसके करीब आई जो अपने सर को थामे स्लीप का सहारा लिए खड़ी थी जी मैं ठीक हूँ बस पता नहीं चक्कर क्यों आ गए अचानक नरमीन की आवाज़ पर शाहीन बेगम भी उनके करीब आई थी नरमीन बेटा आप अपने कमरे में जाकर आराम करें कबीर भी अभी अभी डेरे से अपने कमरे में गए हैं जाएं आप भी थोड़ा आराम कर लें कबीर के आने का सुनते ही नरमीन ने सर उठा उन्हें देखा था उन्होंने खाना खा लिया क्या जी बेटा भाभी ने खिलाया था परेशान है ना थोड़े तो उन्होंने समझाते हुए उन्हें अपने हाथ से खिलाया है अब आप भी जाएं ख्याल रखें अपना शाहीन बेगम ने उसे समझाते ऊपर भेजा जो सकून से आती ऊपर गई थी वो ऊपर गई तो कबीर बालकनी में खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था उसे बेतहाशा कमज़ोरी महसूस हो रही थी जब से कबीर ने खाना नहीं खाया था उसके हलक से भी एक नवाला ना उतरा था लेकिन अब उसके खाने की तसल्ली होते वो भी कुछ खाना चाहती थी मगर अब हिम्मत ना हुई क्योंकि उसे अपने नाराज़ शोहर को भी तो मनाना था जो उसे दो दिन से उससे रूठा हुआ था ना उससे बात कर रहा था नरमिन बालकनी में जाती उसके पीछे खड़ी हो गई वह फ़ोन पर मसूफ़ था जब पीछे से उसकी आवाज़ सुनी कबीर ने वो लम्हों के लिए दो लम्हों के लिए आंखें बंद करी थी फिर खोली और पलटा उसकी गुलाबी रंगत पीली जर थी जबकि हॉट सूखे हुए थे मेकअप का इस्तेमाल तो वो करती भी नहीं थी क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन आज उसके चेहरे की रंगत देख कबीर को तशवीश हुई थी लेकिन फिर अगले ही लम्हे ख़ुद पर सख्ती का खौल चढ़ा था वो उसके साइड से गुज़र गया था जो भी था उससे ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि नरमीन ने उससे ये बात छिपाई थी इस सब पे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं नरमीन की नज़र में जो उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ दे था कबीर गुजरा तो नरमीन ने आगे बढ़ते उसका हाथ थामा था हमें माफ़ कर दें ख़ान उसकी आवाज़ में वाजे घुली नमी सुनकर कबीर ने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़वाना चाहा तो दोनों हाथों से उसका हाथ थाम गई जिसे देखकर वो वो थम्सा गया था प्लीज़ ख़ान हम आपको बताना चाहते थे लेकिन हम नहीं बता सके प्लीज़ हमें माफ़ कर दें हम आइंदा कभी नहीं छुपाएंगे आपसे कुछ भी वो बाकायदा रोने लगी थी जबकि कबीर पलटकर उसे देखने लगा मैंने तुमसे कहा था ना मैं नाराज़ नहीं हूँ इसीलिए इस माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है वो उसके करीब आता उसकी गिरफ्त से नरमी से अपने हाजा, हाथ आज़ाद करवा चुका था और अनजानी आवाज़ में बोला था कबीर की बात सुनती वो नम आँखों से मुस्कुराई लेकिन फिर एकदम उसकी हट फीकी पड़ी आपने कहा था ना आप का मान हम पर से उड़ गया है वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली थी कि अगर कबीर उसके क़रीब खड़ा ना होता तो शायद वो सुन भी ना पाता कबीर उसके क़रीब आया और एक हाथ से उसके चेहरे को थामता उसे अपने क़रीब कर गया वो तो तोड़ दिया था तुमने अब जुड़ नहीं सकता इसीलिए अब इसी खान की आदि हो जाओ धीमी आवाज़ के संग उसकी आँखों में देखकर बोला तो वो भीगी भीगी आंखों से उसे देखने लगी आप हर बार हमें ऐसे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते वो सरगोशी नुमा आवाज़ में एहतन बोली थी कि कबीर ने उसकी आंख से बहते आंसू को साफ़ किया तकलीफ़ मुझे भी हुई थी बहुत हुई थी ये सोच करके मेरी नरमीन ने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई है वो उसकी कमर में हाथ डालते उसे करीब कर गया था जिसकी हरी आंखों में तलब वाजी थी उसकी लेकिन जब्त करते अब इन आँखों में सुरखी उतरने लगी थी नरमीन का सर चकराने लगा था चौबीस घंटों से ज़्यादा होने लगे थे और एक गिलास जूस के सिवा उसने कुछ ना खाया पिया था हम हमें असरा ने कसम दी थी खान हम उसकी कसम नहीं तोड़ सकते थे उसकी बात सुन कबीर की आंखों में पहले हैरानी फिर सर्त महरी उतरी थी कसमें रिश्तों से बढ़कर नहीं होती और इस कसम के चक्कर में तुम ये भूल गई कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है असरा से क्या रिश्ता है? है और बात की नोयत कितनी संजीदा है तुम अपनी कसम निभाने चली कबीर ने अपनी गिरफ़्त उस पर सख्त की थी वो आंखें मीच गई लेकिन उफना किया क्योंकि वो मानती थी वो ग़लत थी सब रिश्तों को ख़ुद से दूर रखकर इतना जान रखो कि तुम सबसे पहले मेरी हो मेरी बीवी हो नरमीन कबीर ख़ान ज़्यादा हो मैं हरगिज भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी मेरा मान तोड़े और बीवी भी वो जो मेरी मोहब्बत मेरा जनून हो जिसके बग़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ कबीर उस पर गिरफ्त सख्त से सख्त करता जा रहा था और जनूनी होते उसके कान के करीब सर सराते अपनी बात कहता वो नरमिन को वाकई अपनी तलबगार और अपना दीवाना था दीवाना लगा था अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूँगा बल्कि खुद से दूर करके ख़ुद को भी सजा दूंगा और तुम्हें भी तड़पता देखूँगा तुमसे दूर खुद भी रहूँगा लेकिन रहम नहीं करूँगा ना ख़ुद पर ना तुम पर ये याद रखना उसकी जनूनीत देखते नरवीन की सांसें थमने लगी थी कमज़ोरी की वजह से जिसम ने ढाल हो रहा था और इस पर जुल्म कबीर की सख्ती कबीर कुछ लम्हे यूं ही उसे अपने क़रीब करते महसूस करता रहा कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे नरवीन का वजूद ढीला पड़ रहा है चेहरा पीछे करते उसने नरमीन के सर के पीछे हाथ रखते दूर किया तो देखा वो बेहोश थी उसे बेहोश देख सही मायनों में कबीर के हाथ पैर फूले थे नरमीन वो उसके गाल पर हाथ रखते बोला लेकिन उसके जिसम पर कोई जम्बिश ना हुई जिसम में कोई जम्बिश ना हुई उसके वजूद को उठाते बिस्तर पर लेटाया था जबकि उसका चेहरा थपथपाने लगा लेकिन जवाब दारत उसे बेहोश देख कबीर को समझ न आया था कि क्या करे जब दरवाज़ा खोलते उसने देखा राहिमा को जो अपने कमरे में जा रही थी राहिमा इधर आओ प्लीज़ कबीर को परेशान देख राहिमा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी जी लाला सब ठीक है ना उसके चेहरे पर परेशानी के तासर देख रहा है मैंने पूछा तो वो नफी में सर हिला गया उसके चेहरे पर परेशानी के तसर देख रहा है मैंने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गया वो नरमीन बेहोश हो गई है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ प्लीज़ तुम मोरे को बुला लाओ मैंने डॉक्टर को कॉल की है वो आती ही होंगी नरमीन की बेहोशी का सुनकर राह ने आंखें फाड़े पीछे लेटे वजूद को दिखा था क्या हुआ आपों को रुके मैं बड़ी मामा को बुलाकर लाती हूँ राहमा भागी हुई नीचे गई थी जब कबीर वापस पलटा उसके करीब गया उसे तो पहले ही तशवीश हो रही थी नरमिन की जर्द रंगत देखकर वो उसके माथे पर हाथ रखते हरारत देखने लगा जो ठंडी पड़ी थी कबीर का सांस सीने में अटकने लगा था वो अपनी नाराज़गी में नरमिन को कैसे भूल सकता था उसे गौर, उसे उसने गौरी नहीं किया उस पर और अब उसकी हालत देख के ख़ुद को कसूरवार समझने लगा था कुछ देर में डॉक्टर आती चेकअप करने लगी तो कबीर बेसब्रों की तरह डॉक्टर का चेहरा पढ़ने लगा जल्दी करें आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं कबीर की बात पर डॉक्टर नहीं घबराती सही तरह चेकअप करने लगी जो नर्मीन का हाथ पकड़े उसके बराबर में बैठा था जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर पीछे नाजो बेगम और शाहना बेगम भी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी के लिए परेशान थी देखें ये शायद काफ़ी टाइम से भूखी हैं कमज़ोरी से चक्कर आ गए हैं ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है इसी वजह से आप सबसे पहले तो इनके लिए जूस लाएं इसके बाद इन्हें कुछ खिलाएं ये पहले ही बहुत कमज़ोर हैं ऐसे भूखी रहेंगी तो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है डॉक्टर की बात पर कबीर परेशानी से उन्हें देखने लगा जबकि राहिमा डॉक्टर के कहते ही किचन में गई थी मुलाजमा डॉक्टर को अपने साथ ले गई थी जबकि शाहना बेगम भी हैरान थी सबके ख्याल रखने के चक्कर में किसी ने उसकी तरफ़ देखा ही नहीं मेरी बेटी से पूछा ही नहीं कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं सबका ख्याल रखती है लेकिन अपनी तरफ देखती ही नहीं शाहाना बेगम उसका माथा चूमती नम आँखों से बोली थी घर का माहौल जैसे था इसमें किसी को किसी का होश ना था जिसकी वजह से कोई नरमीन पर भी ध्यान नहीं दे सका नरमीन आंखें धीरे धीरे खोलती अपने सर को थामती फिर से आंखें मीच गई थी जिसे देखकर उसके मज़ीद गरीब हुआ था कबीर जूस ले आई तो कबीर ने फ़ौरन थामते उसे सही से बिठाकर उसके मुंह से लगाया था गिलास जबकि वो खुद अपने सर को दबा रही थी जो बहुत दर्द कर रहा था बेटा आपने कुछ खाया नहीं नरमीन नरमीन इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हैं आप नास बेगम की बात पर नरमीन ने सर उठा उन्हें देखा और फिर कबीर को जो माथे पर बल सजाए उसी को देख रहा था नरमीन के आंसू नरमीन ने आंसू पीते नज़रें नीचे कर लीं राहिमा आप खाना यहीं ला दें प्लीज़ कबीर ने राहिमा से रिक्वेस्ट की तो वो सरअ बात में ही लाती किचन में खाना ले आई किचन से खाना ले आई नरमीन के सामने खाने की ट्रे रखते कबीर भी उसके पास बैठा जो जिसे देख बाकी सब कमरे से बाहर चले गए थे जबकि शाहाना बेगम भी दरवाज़ा बंद करती बाहर आ गई कबीर सपाट चेहरा लिए उसके मुंह में नवाला बनाता डालने लगा जो नज़र नीचे किया आराम आराम से खा रही थी कब खाया था लास्ट टाइम खाना कबीर ने सर्द आवाज़ में उससे पूछा तो वो नज़र नज़र उठाकर उसे देखती इधर उधर देखने लगी कब कल सुबह नाश्ता किया था तो उस, उसकी बात सुनकर कबीर जो नवाला उसके मुँह में डालने वाला था वो थमा था उसे गुस्से से घूरने लगा क्यों कबीर ने फिर सर्द आवाज़ में पूछा तो आंखों में आंसू भरते मासूमियत से उसे देखने लगी आपने भी तो खाना नहीं खाया था उसकी बात सुनते कबीर गु़स्से से उसके करीब हुआ जो डर कर फिर आंखें मीच गई थी जिसे देख कबीर भी थमा था अपनी परेशानी में सारा गु़स्सा उसी पर तो उतारा जा रहा था जो खामोशी से सब बर्दाश्त करते अपनी जान पर नुकसान किए जा रही थी इसके मज़द करीब होते कबीर ने उसके माथे पर हॉन्ट रखे थे प्लीज़ आइंदा ऐसा मत करना तुम्हें कुछ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मुझे माफ़ कर दो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका अपनी तकलीफ़ में तुम्हें भूल गया कबीर ने उसका एक गाल अपने अंगूठे से सहलाते उसकी आंखों में देखा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी हमें माफ़ कर दें खान हमने जाने अनजाने में आपको इतनी तकलीफ़ दी आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे वो भी उसके करीब होती घबराई हुई उसकी गर्दन में बाहें डाल गई थी जबकि नज़रें उसके सीने से ऊपर ना उठी थी जिसे देख कबीर भी उसकी मासूमाना हरकत पर मुस्कुराया वो जानता था उसने यह हरकत भी कितने जतन से की होगी वैसे एक बात मुझे पता चल गई है आज कबीर उसके मज़ीद करीब होते मुस्कुराकर बोला तो वो बेअ्तियार नजरें उठाती उसे देखने लगी जिसके चेहरे पर वाकई सुकून था क्या वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली तो कबीर मुस्कुराता उसका गाल चूम गया कि तुम्हें मनाना बिल्कुल भी नहीं आता हॉन दांतों तले दबाए कबीर ने अपनी मुस्काहट हाँ रोकी थी जिसे देख नरमीन भी खफीफ सा मुस्कुराने लगी थी तो फिर आइंदा आप हमसे ऐसे नाराज़ मत होइएगा वैसे नाराज़ आप सच आप कभी भी नाराज़ नहीं होएगा सच कह रहे हैं हम हमें मनाना नहीं आता और आपकी नाराज़गी बर्दाश्त भी नहीं होती हम हमारी जान निकल जाती है लेकिन जबान से अल्फाज नहीं निकल पाते बोलते उसकी आवाज़ नम हो गई थी कि उसकी मासूमियत पर कबीर को बेतहाशा प्यार आया था उसका हट दबाते वो उसे सीने से लगा गया था अच्छा जानम कभी नाराज़ नहीं होंगे अब आपसे वो उसका माथा चूमते बोला तो नरमीन ने थोड़ी उसके सीने पर टिकाते उसका चेहरा देखा और गु़स्सा भी कभी नहीं करेंगे क्यों आपको डर लगता है मेरे गुस्से से वो उसकी आँखों में देखते पूछ रहा था जिस पर फिर से नरमीन ने चेहरा उसके सीने में छिपाया बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है आंखें मीचे हुए वो बोली थी कि कबीर दिल खोल कर हँसा था जानम अब तुम अपनी अदाओं से मुझे बहका रही हो ख्याल करो थोड़ा जैसे मैं फ़िलहाल तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ भारी आवाज़ के साथ कबीर ने उसे कहा तो वो सर उठाकर हैरानी से उसे देखने लगी लेकिन हमने कुछ नहीं किया उसकी नाराज़गी दूर होते ही नरमीन के चेहरे पर एक सकून था जिसे देखकर कबीर को इत्मीनान हुआ ऐसा आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया लेकिन मैं आज रात आपको तफसील से बताने का इरादा रखता हूँ वो एक हाथ से उसके बाल कान के पीछे उड़सता हुआ बोला तो वो सुर्खियों में घुला चेहरा झुका गई थी चलें अब ठीक से खाना खाएँ थोड़ी जान बनाएँ वरना इस नाजुक जान से मेरा क्या बनेगा वो मुस्कुराता हुआ बेबाक लहजे में बोला तो वो मुँह खोले उसे देखने लगी खान वो रोती शक्ल बनाती बोली तो कबीर हंसते हुए उसे सीने से लगा गया था जरगाम ने दरवाज़ा खटखटाते, इजाज़त चाहिए तो दाद जान ने आने का इशारा दिया वो अंदर आया तो वो अंधेरा किए बेड से टेक लगाए बैठे थे दाद जान क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ वो आवाज़ में कहते उनके करीब आया तो वो सरस बात में हिलाते सही से बैठे जी बेटा आए बैठे वो उसे अपने पास बैठने का इशारा कर गए जिस पर वो उनके पास बिस्तर पर आकर बैठा कैसी तबीयत है आपकी हम ठीक हैं बेटा आप ठीक हैं दाद जान के सवाल पर वो फीका सा मुस्कुराते सर असबात में हिला गया था दाद जान मेरे पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं लेकिन वो हाथ जोड़ता नजरें झुका गया लेकिन मुझे, मुझे माफ़ कर दी मैंने ऐसा नहीं चाहा था जो मुझसे हो गया जो मैंने कर दिया वो बोला तो दाद जान ने भी उसके कंधे पर हाथ रखते दूसरे हाथ से उसके जुड़े हाथों को थामा था